दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ भाई साहब टेनिस के रनिंग पोस्ट मैच एनालिसिस। दोस्तों काफी देर बाद, काफी लंबे अरसे बाद पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आया हूँ। लास्ट लाया था 2023 में, 2023 में जब निफ्टी एटीपी फाइनल्स हुआ था उसके बारे में लाया था, वो लास्ट में डेविस कप के ऊपर लाया था। और इस बार जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ दोस्तों 2024 के पहले एटीपी सीजन की शुरुआत हो गई है। यूनाइटेड कप चल रहा है, चाइना में मैच चल रहे हैं एटीपी 250 और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं 250 ब्रिस्बेन में। और उसी के रिगार्डिंग मैच लेके आऊँ, जो मैच लेके आऊँ वो कम बैक प्लेयर राफा नदाल शानदार प्रदर्शन करते हैं। पर 2023 का सीजन वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में शुरू में हार में हुए थे, पहले दो राउंड में बाहर हो रहे थे, उसके बाद वो नहीं खेले थे, वो 2023 पूरा ही नहीं खेले थे। उसके बाद आज कदम रखा, और क्या कदम रखा है, उनका मुकाबला था भाई थीम के खिलाफ। थीम अच्छा प्रदर्शन करते हैं राफा नदाल के खिलाफ। 2020 में लास्ट की दोनों मीटिंग में थीम ने हराया था राफा नदाल को दोनों मैचेस में, और उससे पहले राफा नदाल ने हराया था थीम को रोलैंड गैरोस में फिनाले में। तो देखा जाए थीम अच्छे प्लेयर है और बढ़िया प्रदर्शन करते हैं राफा नदाल के खिलाफ, बट थीम की परफॉर्मेंस जब से उनने रिस्ट इंजरी हुई है तब से इतनी बढ़िया नहीं रहा है। धीरे धीरे वो कमबैक कर रहे हैं बट अभी तक इतना तगड़ा कमबैक नहीं हो पाया जैसे हम उनके जानते थे। फिलहाल दोस्तों ये वाले मैच में देखते हैं एटीपी रैंकिंग 100 के अंदर अंदर है थीम, और दूसरी ओर राफा नदाल 672 रैंकिंग पे है। धीरे धीरे उन्हें जीतना पड़ेगा ताकि अपनी वो एटीपी रैंकिंग जल्दी से जल्दी सुधारे और ग्रैंड स्लैम में बढ़िया प्रदर्शन करें। फिलहाल दोस्तों मैं देखो जाऊं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो मैंने बता दिया, ये वाले मैच पे बढ़ते हैं। मैच में बढ़ने से पहले एक बार फिर से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को तो क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स रहें पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स रिगार्डिंग। फिलहाल दोस्तों मैं पहले सेट की बात करूँ तो पहले सेट में शुरुआत दोनों प्लेयर्स ने काफी अच्छी थी, अपनी सर्विस गेंद पे होल्ड रख रहे थे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5। जैसे ही 5 मैच हुआ उसके बाद नदाल ने शानदार प्रदर्शन बताया, अपनी सर्विस गेंद पे तो होल्ड रखा रखा सर्विस गेंद ब्रेक की और 7-5 से पहला सेट जीता। सेकेंड सेट की बात की जाए तो थीम से इस बार काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी क्योंकि थीम बढ़िया प्रदर्शन किया है क्वालिफायर मैचेस में। 1 सेट डाउन थे, काफी पीछे थे और दोनों क्वालिफायर मैच जीते हैं, बढ़िया तरीके प्रदर्शन किया, अपना स्पॉट बुक किया। बट सेकेंड सेट में तो 8 ना चली, फर्स्ट सेट में तो फिर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, बट सेकेंड सेट में नदाल और ज्यादा हैवी दिखते हुए लगे क्योंकि उन्होंने शुरू में ही सर्विस गेम ब्रेक कर दी, 2-0 से आगे चले गए। धीरे धीरे बढ़िया प्रदर्शन कंटिन्यू करते रहे, एक बार सर्विस गेम और ब्रेक कर दी और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रख ही रहे थे और 6-8 से जीते ये वाला सेट और मैच। पहला सेट 7-5 से जीते, सेकंड सेट बढ़िया प्रदर्शन करके 6-8 से जीते। अब वो नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर चुके हैं, नेक्स्ट राउंड में भी ऐसा ही प्रदर्शन करने के लिए वो बेताब होंगे। फिलहाल दोस्तों देखा जाए ये वाले मैच के स्टैट्स जो देखा जाए, एसिस दोनों ने 3-3 लिए, डबल फॉल देखा जाए थीम ने 3 किए, रन नदाल ने नहीं किए, इसमें अच्छा प्रदर्शन किया। और ब्रेक पॉइंट देखा जाए नदाल ने कोई आने नहीं दिया, थीम ने सेव किए बट मल्टीपल टाइम वो सेव नहीं कर पाए, 2 सेकंड सेट में नहीं सेव कर पाए, 8 थर्ड सेट में कन्वर्ट कर पाए, जिसकी वजह से वो ये मेन कारण रहा है जिसकी वजह से वो मैच आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों नदाल आगे बढ़ चुके हैं और थीम ये टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। क्या लगता है थीम कैसा प्रदर्शन करेंगे, खासकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर वो उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है या वो स्पॉट मिलता है या क्वालिफायर से वो परफॉर्म करते हैं बढ़िया तरीके से प्रदर्शन करते हैं, उसके बारे में तो जरूर बताएं। और सामने नदाल अल्ला मैच अपना कैसे खेलेंगे ये जरूर बताना। फिलहाल दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।